16 दिसंबर 2020 को 1971 के महाकाव्य युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित किया था। इस स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पवित्र और आश्वस्त लौ से स्वर्ण विजय वर्ष 15 जून 2021 को वजूर गैरिसन में समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान 1971 के युद्ध के दिग्गजों वीर नरेश और ESM की उपस्थिति ने इसे और अधिक यादगार और शानदार बना दिया। कार्यक्रम के दौरान इन सम्मानित अतिथियों द्वारा मशाल लेकर चलकर इस पवित्र मशाल की महिमा और भी बढ़ गई। वजूर और बेहीबाग में आर्मी गुडविल स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने एक बेदाग सैन्य बैंड की थाप पर मार्शल धुन बजाते हुए मार्च किया। मशाल के भव्य स्वागत के बाद उस युद्ध के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी प्यारी मातृभूमि के सम्मान में उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया गया। साथ ही NCC कैंडिडेटों ने समारोह से प्रेरणा ली। सशस्त्र बलों में शामिल होने और अपनी मातृभूमि की सेवा करने के अपने संकल्प को और मजबूत किया। इस अवसर पर प्रमुख नागरिक, गणमान्य व्यक्ति और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसी बीच उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए ब्रिगेडियर विवेक सिंह ठाकुर ने 1971 के युद्ध के सभी बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं में अपने प्राणों की आहुति दी और सभी युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने सम्मान, वीरता और परंपरा के साथ नेतृत्व करना जारी रखे हुए है और देश की रक्षा के लिए और किसी भी विरोधी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार और तैयार है। ABD न्यूज़ के लिए संवाददाता की रिपोर्ट। बहुत ही खुशनसीबी का दिन है कि जो हमारा देश स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि 1971 की 50वीं सालगिरह मना रहा है, उसकी एक विक्ट्री फ्लेम कश्मीर में दाखिल हुई। आपको पता है कि पिछले साल 2020 में 16 दिसंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये चार इस तरह की जो फ्लेम्स थी इसका इसको शुरुआत किया था नेशनल वॉर मेमोरियल से। उसी में अब ये फ्लेम्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के अलग अलग कोनों में गई है। उसमें से एक फ्लेम आज कश्मीर घाटी में दाखिल हुई, उसका हमने आयोजन किया है। हमारे को बहुत खुशी है कि जो 1971 के जो वॉर वेटरन्स हैं जो कि कश्मीर में रहने वाले हैं उनका हमारे को सहयोग मिला। उनमें से कई लोग आज हमारे बीच में शामिल थे। जो हमारी वीर माताएं हैं, वीर बहनें हैं, वो हमारे बीच में शामिल हैं। I'm an NCC cadet and I had done my Republic Day Camp 2015 as a JW cadet and Republic Day Camp 2021 as SW cadet. ठीक है, NCC cadet, हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे जो आज दिन 1970 वॉर की सेलिब्रेशन हो रही है, गोल्डन जुबली हो रही है कमांडर 2 सेक्टर RR के साथ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि NCC में भी हमें ये सिखाया जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सोशल वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं। आप शहीद क्लास नायक मिर्जा अहमद वाली अशोक चक्कर सैन्य मेडल हुआ, मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज शहीदों का दिन मनाया गया है, क्योंकि जो मेरा पति है उसने भी देश के लिए शहादत दी, उसने अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया और अशोक चक्र से उसको नवाजा गया कि इसलिए मुझे हर जगह जाने से खुशी मिलती है। जहाँ हमें वीर नारियों को मिला, हम इसी दिन सब वीर नारियाँ मिलते हैं, हम आपस में अपना दुख बांटते हैं, लेकिन हमें आज सबसे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है कि हमें इतना सामान मिला है यहाँ कि हमारे शहीदों के लिए इतना सामान मिलता है हर आर्मी डिपार्टमेंट में। मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी सिविल डिपार्टमेंट में, मैं खुद सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी करती हूँ, लेकिन